हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। ये देखिए, ये आज मेरे सारे प्लांट्स हैं और मेरे यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। मेरे प्लांट्स में न्यू ग्रोथ हो रही है, फ्लावर्स आ रहे हैं, न्यू बड्स आ रही हैं। ये देखिए, हर प्लांट में कलियाँ आ रही हैं और फ्लावर्स भी आ रहे हैं और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये सब रेन वाटर की वजह से है। जो रेन वाटर होता है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बारिश में प्लांट्स हरे भरे इसलिए नहीं हो जाते कि उनको पानी मिलता है। पानी तो हम लोग भी रोज़ डालते हैं, लेकिन चूंकि रेन वाटर में नाइट्रोजन की मात्रा होती है और नाइट्रोजन जो है प्लांट की ग्रीनरी को बढ़ाता है, इसलिए प्लांट्स जो हैं वो रेन में ज़्यादा ग्रीन, उनकी लीव्स ज़्यादा ब्राइट कलर, ज़्यादा शाइनी हो जाता है। तो ये देखिए, ये सारे मेरे प्लांट्स हैं और ये देखिए सारे प्लांट्स में मेरे कितने अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आज मैं बात करूंगी कि मॉनसून में आप किन किन प्लांट्स की कटिंग्स को लगा सकते हैं और इजीली अपने प्लांट्स नए बना सकते हैं। आपको नर्सरी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और इन प्लांट्स की कटिंग्स को आप ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले ये मेरा सदाबहार का प्लांट है, ये देसी सदाबहार वेराइटी है मेरी। पहले मैंने वीडियो आपसे हाइब्रिड सदाबहार के ऊपर शेयर किया था, ये देसी सदाबहार है। इसमें लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं काफ़ी सारी। ये देखिए बड्स हैं, कितनी सारी ब्रांचेज हैं इसमें, और आज फ्लावर्स इसमें आए थे। ये देखिए नीचे पड़े भी हैं कुछ, और फ्लावर्स जो आए थे वो मैंने पूजा में यूज़ कर लिए। ये देखिए, ये जो कटिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ इनमें ये न्यू ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, छोटी छोटी लीव्स देख रहे हैं, ये भी देसी सदाबहार है। बट ये जो वाइट कलर के जो जिसमें फ्लावर आते हैं ये वो वैरायटी है। और ये जो मेरी सदाबहार की वैरायटी, ये भी मैंने कटिंग से लगाई हुई है और ये देखिए कितनी बड़ी हो गई है। और ये जो छोटे छोटे लीव्स आप देख रहे हैं ये वाइट कलर की जो सदाबहार होते हैं। तो ये दोनों प्लांट्स भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं। और ये मैं कटिंग जो है वो ऐसे ही, मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई थी और वहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ था, तो मैं छोटी छोटी दो कटिंग्स ले आई थी और मैंने सिंपल इसको अपनी गार्डन सॉइल में और वर्मी कंपोस्ट के कंपोजिशन में इसको प्लांट में गाड़ दिया। और ये देखिए कितने बड़े हो गए प्लांट्स। तो मैं जैसा कि आपको आज इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि आप इस मॉनसून में किन किन प्लांट्स को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो प्लांट है वो सदाबहार है, देसी सदाबहार है। और ये दोनों वेराइटीज़ जो हैं, चाहे पिंक हो चाहे वाइट हो, आप इनको ईज़िली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको जो ये नोड एरिया दिख रहा है ऊपर सर्कल टाइप का, यहाँ से कटिंग लेनी है और सिंपल आपको इसको मिट्टी में अपने गमले में लगा देना है और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, जैसे कि आप मेरा प्लांट देख रहे हैं। बट कटिंग लगाते समय आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो जो इसकी लीव्स के पास में नीचे जो नोड एरिया होता है वहाँ से आपको लगाना है। या तो एक दो पत्ते कटिंग के ऊपर रहने चाहिए या फिर आपका जो नोड एरिया है वो सही होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब आप इसको मिट्टी में गाड़ रहे हैं तो उसमें मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, यानी कि मिट्टी थोड़ी गीली होनी चाहिए ताकि उसको इनिशियली थोड़ा पानी मिल सके। उसके बाद दूसरे दिन आप इसको पानी थोड़ा सा, जब आप मिट्टी ड्राई हो जाए तब आप दे सकते हैं। तीसरी चीज़, आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें, इसको छाया में रखें और थोड़े दिन इसको छाया में रहने दें, शेड एरिया में, तब ये कटिंग ईजिली आपकी ग्रो हो जाएंगी। जैसे ही मानसून शुरू होगा आपकी कटिंग्स में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा जो प्लांट है जो कटिंग से ईज़िली हम ग्रो कर सकते हैं वो है ये मॉसरोज, या फिर इसको 9 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। ये तो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। आप सिंपल इसकी कटिंग लीजिए और मिट्टी में गाड़ दीजिए और ये देखेंगे आपके कुछ ही दिनों में ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेगा। ये देखिए, जैसे मेरे यहाँ लगा है इस पर सब पे न्यू बड्स आ गई हैं। ये देखिए, पहले इसमें बड्स फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मानसून शुरू हुआ है वैसे इसमें कलियाँ आ गई हैं। ये देखिए, हर एक ब्रांच पर इसमें बड आ गई है। तो ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, बहुत खूबसूरत फूल आते हैं इसमें, तमाम वैरायटीज़ होती हैं इसमें, तमाम कलर्स होते हैं। इस मेरे गमले में ये पिंक वैरायटी, वाइट, येलो, हर तरीके की वैरायटी मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हुई हैं। और जब इस पर फ्लावर आएंगे तो मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अभी इस पर बड्स आई हैं। तो ये मॉसरोज की कटिंग भी आप ईज़िली ग्रो कर सकते हैं मानसून में। तीसरा जो प्लांट है फ्रेंड्स, जो ईज़िली मॉनसून में ग्रो कर सकते हैं वो है जेट प्लांट। जेट प्लांट वैसे तो हम किसी भी मौसम में ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन
मॉनसून चूँकि फेवरेबल कंडीशंस प्लांट के लिए लेकर आता है, नाइट्रोजन कंटेंट होता है, मौसम ठंडा होता है, बारिश का पानी प्लांट्स के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसमें सारी कटिंग्स ईजिली ग्रो कर जाती हैं। ये मेरा देखिए बॉन्ज़ाई, मैं इसकी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट थोड़ी और इस पर ग्रोथ आ जाए तब मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी। तो ये देखिए इसमें हर तरफ से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है जैसी बारिश का पानी इस पर पड़ा है। और ये देखिए इसकी स्टेम बीच की कितनी थिक है, तो इसकी कटिंग्स भी आप ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। और सिंपल आपको लेना है बस ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके की, इसको आपको सिंपल कट करना है। ये देखिए न्यू ग्रोथ मेरे प्लांट में हो रही है, तो इसको सिंपल आपको कट करना है और सिंपल आपको गार्डन सॉइल में इसको लगा देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और थोड़े दिन में आप देखेंगे कि इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपका प्लांट ईज़िली तैयार हो जाएगा। तो थर्ड प्लांट हमारा जेट प्लांट है, जो आप मॉनसून में ईज़िली इसकी कटिंग्स को लगा सकते हैं और अपने लिए एक खूबसूरत सा प्लांट बना सकते हैं। जेट प्लांट हमारे घर के लिए और हम लोगों के लिए काफ़ी लकी भी माना जाता है, तो आप इसको इस मॉनसून में लगाइए और अपने घर को खूबसूरत बनाइए। चौथे नंबर का पौधा जो कटिंग से ईज़िली ग्रो हो सकता है, वो देखिए ये रात की रानी है। ये भी मेरा प्लांट मैंने कटिंग से लगाया है। ये देखिए पेंसिल जितनी मोटी कटिंग, ये जो आप देख रहे हैं पेंसिल जितनी मोटी कटिंग आपको गार्डन सॉइल में लगानी है। और जैसे ही बारिश आएगी थोड़े दिन में आप देखेंगे किस पे न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए कितनी सारी ब्रांचेस निकल कर आई हैं और कुछ पत्ते इसके धूप में थोड़े से जल गए हैं, लेकिन आप देखिए ऊपर न्यू लीव्स आ गई हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लीव्स आ गई हैं। और ये जो आप कलियाँ देख रहे हैं पीछे, एक जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये जो कलियाँ हैं ये इसमें फ्लावर्स भी स्टार्ट हो गए हैं और फ्लावरिंग भी इसमें बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो रात की रानी का प्लांट भी आप कटिंग से मॉनसून में ईज़िली लगा सकते हैं। और ये काफ़ी बेहतर और काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है अपने घर के लिए। इतनी मोटी कटिंग आप लीजिए, इसको सिंपल मिट्टी में गाड़ दीजिए, थोड़े ही दिन में इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए कलियाँ ये जो हैं ये इस पर आ गई हैं। इसके फूल इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और ये रात की रानी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके फूल रात में खिलते हैं और रात में इनकी जो खुशबू होती है उससे आपकी बालकनी, आपका गार्डन इतना महक जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। और ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, और इसकी भी कटिंग आप ईज़िली मानसून में लगाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। पाँचवें नंबर का प्लांट दोस्तों है अपराजिता। अपराजिता का पौधा भी आप इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए ये अपराजिता की मेरी बेल है, और इसको आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मैंने अप्रैल में लगाई थी, अप्रैल के मिड में या कह लीजिए 20 तारीख के बाद, और अप्रैल के कुछ दिन और मई और जून में ये इतनी लंबी हो गई है क्योंकि बारिश भी आई है और मैंने इसमें अच्छा खासा फर्टिलाइज़र भी दिया है। ये देखिए इसमें कलियाँ भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। थोड़े दिन पहले जब बारिश हुई थी तो इसमें 4-5-6 फूल भी आए थे, बट चूंकि बीच में धूप आ गई तो अभी ये देखिए कलियाँ इसमें ये देखिए बन रही हैं। छोटी छोटी कलियाँ इसकी पत्तियों के बीच में आती हैं और इसमें पर्पल कलर के फूल खिलते हैं। इसको हिंदी में शंख पुष्पी भी कहा जाता है। ये भी हमारे लिए घर के लिए काफ़ी लकी माना जाता है, और इसकी भी कटिंग आप मॉनसून में ईज़िली लगा सकते हैं। ये देखिए बस सिंपल आपको यहाँ से नोड एरिया से इसकी कटिंग को कट करना है और आपको इसको मिट्टी में गाड़ देना है, और थोड़े ही दिन में ये ग्रो कर लेगा। बहुत ईजिली लग जाता है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें कुछ है नहीं। बस ये कटिंग आपको सिंपल मैंने जैसे बताया नोड एरिया से लीजिए, मिट्टी गार्डन सॉइल वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में गाड़ दीजिए, और थोड़े दिन में इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे, थोड़े दिन में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। फर्टिलाइज़र भी जो मैं पहले बता चुकी हूँ वो आप दे सकते हैं इसमें, और बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। और ये फूल पर्पल कलर के वाइट कलर के होते हैं, दो वैरायटीज़ इसमें आती हैं, लेकिन मेरे पास ये वैरायटी जो है ये पर्पल कलर की है। बहुत जल्द मैं इस पर पूरा वीडियो एक अलग से शेयर करूँगी अपराजिता के बेल के ऊपर। और ये देखिए मैंने सपोर्ट लगा रखा है इसमें पाइप का, और आप इसको सपोर्ट भी दे सकते हैं बेल की तरीके से भी लगा सकते हैं, और वरना इसको कटिंग कर करके आप थोड़ा बुशी भी बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बेल के तरीके से लगा रखा है, और जब इस पे कलियाँ अभी थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी, फूल आ जाएंगे, तो मैं इसका वीडियो अलग से शेयर करूँगी। तो पांचवा हमारा प्लांट है अपराजिता का, इसकी कटिंग भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं मॉनसून में। तो फ्रेंड्स ये सारे प्लांट्स मैंने आपको बताए आज,
जिनकी कटिंग आप इजीली मॉनसून में ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज मेरा वीडियो ये था, मॉनसून में आप किन किन प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। और मैंने आपको सारे प्लांट्स बता दिए हैं ऑलमोस्ट जो मेरे पास हैं। वैसे तो और भी प्लांट्स हैं मेरे जो कटिंग से लगाए जा सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी। ये प्लांट्स मैंने आपको बताए हैं, आप इनको कटिंग से लीजिए। और अगर आपके पास कहीं भी, आपके दोस्तों के पास कहीं पर भी आपको इनकी कटिंग्स मिलती हैं तो ईज़िली ग्रो कर लीजिए और सिंपल इनको मिट्टी में लगा दीजिए। बहुत जल्दी ये मॉनसून में फेवरेबल कंडीशंस के दौरान ये जल्दी ग्रो कर जाएंगे। अगर रूटिंग हार्मोन की बात करें तो आप इसमें थोड़ा सा नेचुरल एलोवेरा जो पत्ती होती है उसका जेल लगा दीजिए और मिट्टी में इसको सिंपल गाड़ दीजिए तो बहुत जल्दी ये ईज़िली ग्रो कर जाएंगे। तो बस, आज का मौसम मेरे यहाँ बहुत अच्छा है, प्लांट्स भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फील कर रहे हैं। और बस ये मेरे आज का वीडियो था। तो बस इनकी कटिंग्स आप लीजिए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ 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 मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।